हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सचिन चोपड़े। इस नए वीडियो में आए हैं हम टेरेस गार्डन बनाने के लिए। टेरेस गार्डन इस आज का विषय है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो वेस्ट कचरा पैदा होता है उससे हम टेरेस गार्डन बनाएंगे पूरा वेस्ट से। ये देखिए, ये पूरे देख रहे हैं आप, ये टीन के डब्बे, प्लास्टिक के डब्बे उब्बे हैं, ये सभी को हम काट के यूज कर रहे हैं। ये देखिए, अभी ये मशीन है, ये देखिए मशीन दिखाई, कटर मशीन से पूरे इसको काटेंगे। ये इसी तरह काटेंगे, ये जो काटा है ना, और इसमें हमें की भरी है, इसी तरह काट के हम बनाएंगे। अभी टेरेस गार्डन की शुरुआत करेंगे, तो वीडियो देखिए और आज से हमारे वीडियो देखते रहिए कंटिन्यू में। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए हमारे वीडियो कैसी क्या लगते हैं। प्लीज़ पूरा वीडियो देखेंगे देखना। आपने अभी तक के देखा कि हमने ये टब कट किए, ये दिखा देता टब कैसे, ये देखिए टब, अभी तक ये टब पूरे कट किए कर दिए, पूरे टब कर दिए कट, ऐसी कटिंग करके रखा है। इसके अंदर डालेंगे मिट्टी, फिर सेंध खाद डालेंगे और ऑर्गेनिक सब्जी लगाते जाएंगे, ऑर्गेनिक सब उगाते जाएंगे, पेड़ पौधे से लेकर सब ऑर्गेनिक। शुद्ध ऑक्सीजन लेना है। शुरुआत करते हैं टेरेस गार्डन की और चलते आपको दिखा देते जाएंगे हरदम कंटिन्यू में। आप देख सकते हैं वीडियो में हमने मट्टी डाली, अभी मट्टी और सेंध का ये डाला है, ये किया है। अभी सेंध का भी हम इसके ऊपर ये करेंगे पूरा। और ये जो है, ये हमारा ये पहला फल है, जो फल हमें मिला, प्याज लगाया थी इसमें, दिखा देता हूँ आपको। इसमें हमने कुछ दिन पहले प्याज लगाए थे, इसमें से प्याज हमने काट के घर में खाए, अच्छे निकले, बहुत अच्छे लगे, तो इसलिए हमने अभी आज से शुरुआत कर ली है नर्सरी की। ये देखेंगे तो आप, पूरे टब में ऐसी हमने ये किया है, टब में देखेंगे तो आप, ये पूरा चालू हो गया। देखिए वीडियो एंजॉय कीजिए। अभी देखा आपने, हमने जैसी काम किया वो टंकियाँ काटे, ये पूरी टंकी काट ली है। अभी अभी इसको मिट्टी उट्टी डाल दी है और फेन खत भी है। कल से हम इसमें सब्जी भाजी का उगाना चालू करेंगे। तो अनीता कुछ बोलेंगी या तो चैनल को सब्सक्राइब तो करो, बोलना चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो। और कुछ अनीता ही संभालने वाली है इसके बाद में ये ब्लॉग, वो धीरे 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 बोलना सीख जाएगी, मैं उसको सिखा दूंगा। हाँ, वीडियो में वो मतलब थोड़ा मतलब ये लज्जा आती है उसको बोलने में। अच्छा, तो इसलिए धीरे 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 हो जाएगी वो। और देखिए
आपने मैंने करते हुए ये कैसी क्या बनाया? सब टप हुए, अभी कितने टप हुए गिन भरा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक ये ड्रम हुआ 13 13 टप हुए हमारे। धीरे 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 ये 100-150 टप बन जाएंगे, क्योंकि अपने यहाँ ये वेस्टेज निकलता है। जो टंकी फूट जाती है तो इसका वेस्टेज निकलता है, तो कबाड़ी में बेचने से अच्छा, रिसाइकिल करने से अच्छा इसमें पेड़ लगते हैं। CO2 ये होता है, मतलब ऑक्सीजन मिलता है अच्छे से अपन को, और ये जो धूल मिट्टी ये सोख लेता है पेड़। इसलिए ध्यान रखना, घर पे टेरेस के ऊपर पेड़ लगाना चालू कीजिए, और धूप काले में तो ये और भी अच्छा है, पूरा घर ठंडा रहता है, तो इसलिए ध्यान रखिए। आप देख सकते हैं ये मटेरियल हमने लाया है पूरा, गाजर है, टमाटर है, बैंगन है, मूली है, सांबार है, मेथी है, ये वाला पालक है, और ये ऑर्गेनिक कोकोपीट है, ऑर्गेनिक कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक के लिए ये जो ये फोड़ के दिखा दूंगा वीडियो में कैसी क्या मटेरियल रहता है, ऑर्गेनिक है, ये मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, गुणवत्ता अच्छी बनती है मिट्टी की। और ये सब उसके अपन ने सब लाया है, इसमें ककड़ी है, सब है, सब ऑल टोटल सब्जी का ये मटेरियल है। तो आप वीडियो देखिए आगे में, और कैसी क्या लगा तो हमें बताइए। ये मूली ग्रोथ अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है मूली का। ये ताजी पालक निकल रही है हमारे इधर ताजी। ये नीम की पत्तियां हम चुन रहे हैं जो टेरेस पे जमा हो गई है, और ये हमारे टेरेस गार्डन में डालेंगे। ये हमने गार्डन सॉइल कर रहे हैं, तो गार्डन की अच्छी मिट्टी कर रहे हैं, उसमें ये बोन मीट डाल दिया है अभी, और नीम खली वगैरह मिक्स करते हैं। नीम का पाला भी लिया आपने ऐसी जो गार्डन से, तो वो अच्छा रहता है, इसलिए हमने अभी ये मिक्स करेंगे। ये मिट्टी को हमने कुछ दिन भिगा के रख दिया था, अच्छी खासी भीग गई है, देखेंगे तो आप इसमें से कचरा काड़ी सब साफ कर लेते हैं, और अच्छी तरह तैयार करते हैं ये मिट्टी, और इसमें नीम की पत्तियां ऐसी मिक्स करेंगे जो उससे और उपजाऊ हो जाएगी ये मिट्टी। हमारे किचन गार्डन में अभी अच्छी तरह हम मिट्टी रेडी कर दिए है। मिट्टी इसमें अभी बोने के लिए तैयार है, ये मिट्टी बहुत अच्छे से ये कर दिया हमने, देखेंगे तो आप, तो ये मिट्टी भी भुरभुरी है और मुरमारी मिट्टी है, तो उससे और भी क्या पानी उनी का प्रॉब्लम नहीं, इसमें आपको सॉइल रेत मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है, मुरमारी मिट्टी है, और इसमें अपने विटामिन डाल दिए तो वो मिट्टी और उपजाऊ बन जाती है, तो देखेंगे तो आप वीडियो में। इसमें नीम खली वगैरह मिलाया है हमने, बोन मिल, और बहुत सारे अपने घर के जो किचन वेस्ट सा रहता है वो वाला हमने खत डाल दिया है, और सेन खत का जो ये है वो तो अभी नहीं किया है हमने, लेकिन विदाउट सेन खत इसमें उगाएंगे तो कैसे उगता है देखते हैं, क्योंकि यही सब्जियों में सभी विटामिन मिले रहते हैं, नीम खली है, बाकी सब्जियां है, तो उसके कारण। तो ये देखिए मिट्टी रेडी कर रहे हैं हम, इसमें अभी अपन ने बीज बो दिए है, और अच्छे से मिट्टी तैयार हो गई है, देखेंगे तो आप। ये घर पे बनाई हुई मिट्टी है और मुरमारी मिट्टी है, और ये भी नहीं है कि गार्डन सॉइल लिया है, ये मुरमारी मिट्टी है और गार्डन का नहीं है, और अच्छे से रेडी कर दिया है, और अभी देखेंगे इसमें बीज कितने जल्दी उगते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सभी मिल चुके हैं, इसको जितना भी प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, सब मिल चुका है इसमें। मुझे लोगों के सवाल आते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सीपेज का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है टेरेस पे, तो ध्यान रखिए, इसके लिए मैं पूरा बताने वाला हूँ इस वीडियो में यही जानकारी दूंगा कि टेरेस को कैसे मेंटेन रखें और
अपने पेड़ पौधों को कैसे मेंटेन रखें, तो ध्यान रखिए, सबसे पहले तो टेरेस की साफ़ सफाई होना ज़रूरी है। जितनी भी मिट्टी गिरती है या कुछ होता है तो वो साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है। और उसके बाद में दूसरी चीज़ है, वो जितनी भी पेड़ की पत्तियाँ गिरती है नीचे में, तो वो पेड़ की पत्तियाँ भी आप गार्डन सॉइल में मिक्स कर सकते हैं। अच्छा खासा ही उसका भी आपका खाद तैयार हो जाता है, मतलब एक मिट्टी अच्छी उपजाऊ तैयार हो जाती है। तो ध्यान रखना, कभी भी गार्डन मतलब टेरेस गार्डन कर रहे हो तो पूरा मेंटेन रखना साफ़ सफाई। हमारा टेरेस देखेंगे तो आप पूरा साफ सफाई दिख रही होंगी, और अच्छे से मेंटेन रखना। और पानी का, जहाँ से आपका पानी जाता है ना, ध्यान रखना कि वहाँ से कभी भी खुला रखना, खुला रखना, और उतनी जगह थोड़ा ये रखना, खुली रखना। जैसे भी यहाँ से हमारा वाटर जाता है तो हम यहाँ से क्या होता है, बारीक बचा हुआ कचरा भी निकल जाता है। तो ध्यान रखिए कि टेरेस को अच्छे से मेंटेन रखिए, और तभी जाके आप ये कर सकते हो। और इसी आपके घर में जो भी किचन वेस्ट तैयार होता है उसका भी आप खाद तैयार कर सकते हो। अच्छी तरह खाद तैयार हो जाता है घर के घर में, और अच्छी तरह मेंटेन। मैंने तो अभी ये जितनी भी मिट्टी लिया है, ये या खेती की भी नहीं है, गार्डन सॉइल भी नहीं है, ये मुरमाई मिट्टी है, मुरूम की मिट्टी है। लेकिन हमने मिट्टी को कि देखिए कितना अच्छा मेंटेन किया है। अभी ये ब्लैक ब्लैक दिख रही है आपको, पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रही है। इसमें क्या है, नीम नीम की पत्ती है, बाकी सब विटामिन मिल गया है, तो अच्छी खासी ग्रोथ होती है। देखिए हमारे यहाँ ग्रोथ भी अच्छी से खासी हो रही है। ये देखेंगे तो आप, ये टमाटर के पौधे हैं, बीज डाले थे हमने बीज भी बाहर नहीं तैयार किया, यहीं पे बीज तैयार किया, डायरेक्ट बीज तैयार किया और डायरेक्ट ये किया। तो देखिए ग्रोथ में क्या अच्छा ग्रोथ हो रहा है इसका। और पालक की भी ग्रोथ देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ, इसका तो हमने एक बार हार्वेस्टिंग कर लिया था। तो ध्यान रखिए, मेंटेन रखिए, मेंटेन रखेंगे। ये देखिए इसमें दिख रहा होगा आपको मुरूम की मिट्टी, ये देखिए पूरी मुरूम की मिट्टी है हमारे यहाँ, पूरी मुरूम की है। ये भी पेड़ में देख रहे होंगे, ये वाला हमारा, ये इसको फल आया है, चीकू का पेड़ है, इसमें भी मुरूम की मिट्टी है, ये इसमें दिखाई दे रहे होंगी। लेकिन इसमें हमने मेंटेन कर दिया मिट्टी को, देखिए कैसी ये कर दिया। जहाँ पे चल सकती है मिट्टी वहाँ पे चल जाएगा, लेकिन अपने जो बाकी सब्जियाँ है ग्रो होने के लिए, उसके लिए अच्छी खाद भरी मिट्टी होना तो ध्यान रखिए। तो ये देखिए इसमें भी मुरूम की मिट्टी है। वीडियो कैसी क्या लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों। एक वीडियो जोड़ूंगा मैं इसके बाद में कि कौन से फसल को कितना देर लगता है उगने के बाद में, तो मतलब कितने दिनों बाद अपन हार्वेस्ट कर सकते हैं, अपने यहाँ पे घर पे किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। टोटल फसल का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और सर्दियों की फसल, गर्मियों की फसल सब के वीडियो बनाते जाऊंगा, और अच्छी खासी ग्रोथ अपने किचन गार्डन के लिए ले सकते हैं आप। तो इसमें धीरे 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 एक एक वीडियो, रोज़ाना तो दो वीडियो अपलोड होते ही है अपने चैनल पे, तो रोज़ाना आपको दो वीडियो मिलते जाएंगे। इसमें से दो वीडियो जो फसल के बारे में इंफॉर्मेशन और बाकी सभी चीज़। और हमने ये सॉइल पूरा मुरमारी मिट्टी का ही सॉइल किया है, ऐसी कोई हमने कुछ ज़्यादा एक खर्चा नहीं किया है। इसके पीछे मैंने पूरा बीज वगैरह मिला के कम से कम इसके पीछे टोटल खर्चा किया होगा, ये किचन गार्डन के पीछे मैंने 2000 रुपीज़ टोटल खर्चा किया है, बीज वगैरह सब मिला के। और गार्डन सॉइल ज़्यादा यूज, मतलब गार्डन सॉइल की जगह मैंने जो अपनी जो मिट्टी है अपने घर की, वही मिट्टी मैंने यूज़ किया है। ये मिट्टी देख सकते हैं आप कैसी है, मुरमारी मिट्टी है, और ऐसी कुछ भी ये नहीं है। अपन जो मिट्टी में रहते हैं ना, वो मिट्टी में बहुत कुछ उगा सकते हैं, उसको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत रहती है। मेहनत किया ना तो बहुत कुछ ग्रोथ हो जाता है। देखेंगे तो आप, ये वाले रेडी कर दिए मैंने, ये दो बोरियाँ, मतलब बोरियाँ पहले तो वाटर में भिगा के रखते हैं मिट्टी को कुछ दिन, और उसके बाद में उसको ये कर देते हैं, वो फिर मिट्टी रेडी हो जाती है अपनी अच्छी अच्छी खासी। तो अब भी आपके घर में कीजिए, अच्छा खासा ये होता है।
और धीरे धीरे मेहनत का फल तो मिलेगा ही, आप मेहनत करेंगे तो फल कहीं ना कहीं से तो मिलेगा ही, एकदम से नहीं मिलता है, बहुत दिन लगता है, किसान को बहुत मेहनत लगती है उगाने के लिए, वैसे ही अपन को भी बहुत, ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक उगाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, ऑर्गेनिक और ज़्यादा मेहनत का काम है, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जियाँ के लिए पहले सबसे पहले तो मिट्टी तैयार करना ज़रूरी रहता है ऑर्गेनिक के लिए, अच्छी खासी ग्रोथ मिट्टी, क्योंकि जो मिट्टी है वो घास उस उगने की मिट्टी थी और वो मिट्टी में अपन ने सब्जियाँ उगा रहे तो थोड़ा एक ये हो जाता, तो धीरे 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 कई फसल रेडी हो जाएंगी, धीरे धीरे आप नए नए वीडियो जुड़ते जाएंगे और नए नए चीज़ जुड़ते जाएंगी, और ज़्यादा नहीं हुआ, 1 मंथ के लगभग, 1 मंथ कुछ दिन हुए हैं हमें ये टेरेस गार्डन बना के, इसमें और ग्रोथ होते जाएंगी धीरे धीरे, पहले हमने बहुत कुछ यहाँ पे निवेदन किया, पानी का निवेदन किया, गीला नहीं दिख रहा है आपको, कहीं पे भी ऐसी सीपेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा, नीचे में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, बारिश के दिनों में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ऐसी खास ये नहीं है, खाली आप मेंटेन करके रखो, अच्छे साफ सफाई रखो टेरेस की, पूरा पत्तियाँ वगैरह मिट्टी वगैरह जो भी गिरती है वो साफ़ सफाई रखो, तो अच्छे से ही मेंटेन रहता है टेरेस गार्डन, तो टेरेस पे भी अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हैं, महीने के मतलब साल के तो कम से कम नहीं तो भी 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपये आप सब्जियों पे जो खर्चा हो रहा है आपका उससे बचा सकते हैं, सब्जियों पे या फल पे, फल भी आप घर से ही ले सकते हैं, अच्छे से ग्रोथ किया तो फल, पूरे फल आपको घर से मिल सकते हैं, 50-60 तरीके के फल आपको घर से मिल सकते हैं, तो हम धीरे धीरे वही करेंगे कि हमारे यहाँ ज़्यादा ज़्यादा ग्रोथ हो और घर की सब्जियाँ खाओ, खाना चाहिए, यही सोचेंगे हम, और घर की सब्जियाँ खाने से ही आगे में थोड़ा अच्छा खासा विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, और हाँ हाँ और मैं नए नए चीज़ें ऐड करते जाऊँगा, इसके पहले भी घर पे हम कुछ ना कुछ उगाते थे, गेहूँ का रस पीते थे मेरे पापा, वो उससे ब्लड शुद्ध होता है और अच्छा खासा, और ब्लड शुद्ध होने के बाद में ब्लड भी अच्छा खासा बढ़ता है आदमी के शरीर में, तो ध्यान रखना घर में बहुत कुछ उगाना, लेकिन अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत लगती है ऑर्गेनिक में। चलो फिर से नए ब्लॉग में नए वीडियो में मिलेंगे आपको। हमारे किचन गार्डन में अभी कई तरह की सब्जियां उग गई है, कई तरह के सब्जियां है, भिंडी है, ये मूली है, गाजर है, ककड़ी है, पालक है, पालक के बाद में ये मिर्ची है, मिर्ची के बाद में ये हमारा जो आया है लहसुन है, ये प्याज है, पूरा प्याज है, लहसुन है, फिर इसमें ये वाले मिर्ची के बीज है, और ये टमाटर है, कई तरह की सब्जी आ रही है अभी, टमाटर है, उसके बाद में ये तो चीकू का पेड़ है, ये तो ग्रो हो रहा है, फल आ रहा है, ये पालक है, फिर इधर और टमाटर है, टमाटर आ रहे हैं अच्छी तरह, ग्रो हो रहे हैं इसमें भी, और पाइनएप्पल का पेड़ है, और इधर ये केले का पेड़ है, अच्छी तरह ग्रो हो रहा है हमारा केले का पेड़, और इधर में अच्छी खासी ग्रोथ चालू है अभी, धीरे 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 भी बढ़ रहे हैं सब्जियाँ, और इधर देखेंगे तो आप इसमें ये आलू है, ये आलू आ गया हमारा, आलू भी अच्छा खासा ग्रोथ पे है अभी, आलू भी अच्छा खासा ग्रोथ में आ गया हमारा, और ये इसमें ढक के रखा है, ये देखेंगे आप पूरा अच्छा खासा उग रहा है, ये वीडियो फिर से रिपीट में अच्छे से दिखाता हूँ खोल के, ये अभी इधर मेथी, ये तो पालक है, ये मेथी है, और ये भी पालक है, ये भी ग्रो हो रहा है अभी, देखेंगे तो आप धीरे धीरे ग्रोथ में चालू है इसका भी,
धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं सब्जियां हमारी इधर, हम देखेंगे तो आप अच्छा खासा ग्रोथ है। हमने टेरेस पे भी पूरा साफ सफाई रखा है, कचरा वगैरह पूरा छत साफ है, अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। हमारे किचन गार्डन में अभी कई तरह की सब्जियां उग गई है, कई तरह के सब्जियां है, भिंडी है, ये मूली है, गाजर है, ककड़ी है, पालक है, पालक के बाद में ये मिर्ची है, मिर्ची के बाद में ये हमारा जो आया है लहसुन है, ये प्याज है, पूरा प्याज है, लहसुन है, फिर इसमें ये वाले मिर्ची के बीज है, और ये टमाटर है, कई तरह की सब्जी आ रही है अभी, टमाटर है, उसके बाद में ये तो चीकू का पेड़ है, ये तो ग्रो हो रहा है, फल आ रहा है, ये पालक है, फिर इधर और टमाटर है, टमाटर आ रहे हैं अच्छी तरह ग्रो हो रहे हैं इसमें भी, और पाइनएप्पल का पेड़ है, और इधर ये केले का पेड़ है, अच्छी तरह ग्रो हो रहा है हमारा केले का पेड़, और इधर में अच्छी खासी ग्रोथ चालू है अभी। धीरे 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 भी बढ़ रहे सब्जियां, और इधर देखेंगे तो आप इसमें ये आलू है, ये आलू आ गया हमारा, आलू भी अच्छा खासा ग्रोथ पे है अभी, आलू भी अच्छा खासा ग्रोथ में आ गया हमारा, और ये इसमें ढक के रखा है, ये देखेंगे आप पूरा अच्छा खासा उग रहा है। ये वीडियो फिर से रिपीट में अच्छे से दिखाता हूँ खोल के। ये अभी इधर मेथी, ये तो पालक है, ये मेथी है, और ये भी पालक है, ये भी ग्रो हो रहा है अभी, देखेंगे तो आप धीरे धीरे ग्रोथ में चालू है इसका भी, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं सब्जियां हमारी इधर, हम देखेंगे तो आप अच्छा खासा ग्रोथ है। हमने टेरेस पे भी पूरा साफ सफाई रखा है, कचरा वगैरह पूरा छत साफ है, अच्छे से ग्रोथ हो रहा है।